तुझे सजदा करे ऐ हब ताला, वो तेरे नाम का गीत गाए। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की कृपा का तशराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीजो, आज हम साल के दूसरे इतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की तलावतें हमें दावत देती हैं कि हम अपनी बुलावटों पर ध्यान और ज्ञान करें। और खुदा जो बुलाता है, आवाज़ देता है, अक्सर औकात हम सुनने से कासिर रहते हैं। आए औकात के लिए जब हमने खुदा की आवाज़ को अपने इर्द गिर्द, अपने वालदैन, अपने असातिज़ा, अपने बहन और भाई में ना पहचाना, उन औकात के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी चाहे। मैं एक आदर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कवारी सब रिश्तों का मुकद्दस हूँ और आप सबसे नमाज करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। आदर मुतलिक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। खुदा का है तू ही कदूस पाक धन्य है।
आज की एक दस कुर्बानी गुजरानी चाहेगी हारून के लिए, उसके सेहत के लिए, उसके कारोबार के लिए, कि खुदाम खुदा उस बेटे को अपनी हिफाजत पर नाम रखे और हर खतरे से महफूज रखे। इसके साथ ही आज की एक दस कुर्बानी गुजरानी चाहेगी सलामत मसीह की अच्छी सेहत के लिए, जो कैंसर के मर्ज में मुबतला है, कि यीशु नासरी अपने पाक लहू से उन्हें सेहत और बरकत अता करे। आज की एक दस कुर्बानी गुजरानी चाहेगी फादर विक्टर कैरिस्टन के लिए, जिनका आज जन्मदिन है और वो खुदा की हजूरी में हैं। मिशनरी थे, यहाँ पर आए और सारी ज़िंदगी उन्होंने काम किया, ख़ास तौर पर नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ। स्काउट्स जो है वो बहुत सारे नौजवानों को बनाते रहे और मीडिया पर काम करते रहे। आज की दस कुर्बानी उनकी रूह के लिए गुजरानी चाहेगी, खुदा खुदा उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता करे, मुकस्सिन में शुमार करे। आज की दस कुर्बानी ताज़ीम सुनहरा मेहर मसीह, रहमत मसीह और हुसैन बीबी की रूहों के लिए, खुदा खुदा इन तमाम रूहों को अपने मुकस्सिन में शुमार करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरफ को झुकाएं। ऐ कादर मुतलिक और अज़ली खुदा, तू आसमान और ज़मीन की हर शय पर हुकूमत करता है, मेहरबानी से अपनी उम्मत की इल्तिजाओं को सुन और हमारे इन दिनों में हमें अपनी सलामती अता कर। मसीह हमारे खुदा के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तलावत सैमुएल नबी की पहली किताब उसके तीसरे बाब में से। उन दिनों में वो लड़का सैमुएल लेटा हुआ था तो खुदावन ने पुकारा, सैमुएल। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। और वो आली के पास दौड़ कर गया और कहा, मैं हाजिर हूँ क्योंकि तूने मुझे बुलाया। तो उसने कहा, मैंने तुझको नहीं बुलाया, वापस जा और सो जा। तब वो वापस गया और सो गया। और खुदावन ने फिर पुकारा, सैमुएल। तब सैमुएल उठकर आली के पास गया और कहा, मैं हाजिर हूँ क्योंकि तूने मुझको बुलाया है। तो उसने उससे कहा, मैंने तुझको नहीं बुलाया, ऐ मेरे बेटे वापस जा और सो जा। और सैमुएल अभी तक खुदावन को ना जानता था और ना खुदावन का कलाम उस पर अभी तक जाहिर हुआ था। खुदावन ने फिर तीसरी मर्तबा पुकारा, सैमुएल। वो उठा और आली के पास गया और कहा, मैं हाजिर हूँ क्योंकि तूने मुझे बुलाया। तब आली समझा कि ये खुदावंद है जो लड़के को बुलाता है। तो आली ने सैमुएल से कहा, चला जा और सो जा, अगर वो तुझे फिर बुलाए तो कहना, ऐ खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तब सैमुएल चला गया और अपनी जगह में सो गया। तब खुदावन आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल, सैमुएल। तो सैमुएल बोला, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सैमुएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था और उसकी तमाम बातों में से किसी को भी खाक में मिलने ना दिया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरा
हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करिन्थियों के नाम। ऐ भाइयो, बदन हराम काली के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए, और खुदा ने खुदावंद को भी ज़िंदा किया है और हमको भी अपनी कुदरत से ज़िंदा करेगा। यकीनन तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं। वो जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो, और हर गुनाह जो आदमी करता है वो बदन के बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन ही का गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस की हैकल है जो तुम में साकिन है और जिसको तुमने खुदा की तरफ से पाया है, और के तुम अपने नहीं हो इसलिए कि तुम कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। उसका पहला बाब 35 से 42 आयत तक। उस वक्त जबकि यूहन्ना माँ अपने दो शागिर्दों के खड़ा था, उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो खुदा का बर्रा। और उन दो शागिर्दों ने उसकी ये बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, रब्बी यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, आओ और देख लोगे। बस वो आए और जहाँ वो रहता था देखा, और उसने उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की ये सुनकर कि उसके पीछे हो लिए थे, एक शमाउन पत्रस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने अमशीर शमाउन से मिलकर उससे कहा कि हमने माशे यानी अल मसीह पा लिया है। तब वो उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उस पर निगाह करके कहा, तू शमाउन बिन यूहन्ना है, तू कैफा कहलाएगा यानी पत्रस। अंजिले जलील के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाए। तशरीफ रखें। मसीह खुदा में मेरे अजीज़, जो आज हम साल के दौरान दूसरे आम एतवार की इबादत में शामिल हैं, और आज की जो तलावतें हैं बहुत ही मानूस हैं, ख़ास तौर पर उनसे जो ब्लाहट के प्रोसेस में हैं, सेमिनरीज में हैं, कॉन्वेंट्स में हैं, वो इन तलावत को बार 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 सुनते रहते हैं और यकीनन कहीं ना कहीं ध्यान ज्ञान भी करते होंगे। और आज की जो ये पहली तलावत है जो सैमुएल की किताब से ली गई है, और इसमें जो है बयान किया गया है कि उसकी
बुलाहट का जिक्र किया गया है। ना भूलें कि ये बेटा किसका है, ये बेटा है हन्ना का, और हन्ना जो बेऔलाद है और परेशान थी, जारी बात है दुनिया के ताने लान तान, औरत का बनी सैल कौम में जो एक तीन तरह तरीके से लोग जो हैं वो समझे जाते हैं मुर्दा, बेऔलाद लोग जो हैं वो मुर्दा होने के बराबर होते थे। सो फिर औरत जो होती थी वो उसकी गवाही कबले कबूल नहीं होती थी, औरत की तस्लील की जाती थी। सो माशरती लिहाज से उसका दर्जा बहुत ही नीचे था, तो इसलिए लिहाज से पहले ही माशरे में दबी हुई है, ऊपर से औलाद का ना होना, तो ये जो है ये उसके लिए दोहरा जो है वो परेशानी का बायस बन गया। इसलिए वो खुदा की हजूरी में जाती है, समझती कि ये जगह पाक है, शलोम में जाती है, और वहाँ पर जाकर उसने दुआ की, रो रो कर दुआ की। और जब कोई इंसान खुदा से वालेहाना तरीके से प्यार करे और खुल के बातचीत करे, चाहे रो के करे, तो वो खुदा ज़रूर सुनता है। और यही हुआ कि जब खुदा उसने दुआ की तो खुदा ने उसकी आवाज़ को सुना, और एली ने भी कहा कि चार जैसे तू चाहती है खुदा तेरे करे। और उसके बाद वो वहाँ से चली गई और उसके बेटा पैदा हुआ, और उसने क्या किया, उसे खुदा की हजूरी में लेकर आ गई, बात का यहाँ पर लाके छोड़ दिया है। बच्चे ने जो है वो कोई सवाल जवाब नहीं किया, ओबीडियंस है। सो बुलाहट में ताबेदारी का होना ये लाजमन आंसर है, और बुलाहट में ताबेदारी नहीं है तो ये ताबेदारी का आगाज जो है ये घर से शुरू होता है। अगर घर में बच्चा बागी है तो याद रखें यहाँ पर भी फिर वो बगावत ही वो दिखाएगा, कहीं ना कहीं से बगावत वो सामने उसके आती रहेगी किसी न किसी पहलू से ज़िंदगी के। अगर उसने वालदैन की आवाज़ को सुना है तो वो खुदा की आवाज़ को भी सुनेगा, अगर असातज़ा की आवाज़ को सुना है तो खुदा की आवाज़ को भी सुनेगा। यहाँ पर जो है वो सैमुअल खुदा की हजूरी में है, समझ लें कि गिरजाघर में सोया हुआ है, या इबादतगाह में सोया हुआ है। अब गिरजाघर में सोने का तुक तो नहीं बनता, क्या आप चर्च के अंदर सो रहे हैं, आप हैकल के अंदर सो रहे हैं, आप इबादतगाह में सो रहे हैं, तो ये इस प्लेस ऑफ वर्शिप, ये दुआ की जगह है, इबादत की जगह है, गीत गाने की जगह है, बेदार होने हम कलाम होने की जगह है। कई दफ़ा हो सकता है ये सोना जो है नेगेटिव कॉन्वर्टेशन में आया हो बाइबल मुकद्दस में, लेकिन कई दफ़ा ये सोना जो है आराम करना जो है ये खुदा से वाबस्ता भी होता है। सोना जो है आज के दौर में देखें कि बहुत सारे लोग सोए में, सोना होता है ज़मीर का सोना। सोने से मुराद ये नहीं कि वाकई वो पड़ा हुआ नहीं, जो दरअसल बयान किया जा रहा है वो जो आज के दौर में हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके कॉन्शियंस दिमाग सोए हुए, जहन सोए हुए हैं, सोच नहीं है हम क्या कर रहे हैं, किस लिए तख्लीक किए गए हैं, हमारी वजह तख्लीक क्या है, हमें खुदा ने क्यों बनाया है, किस मकसद के लिए बनाया है, इस पर सवाल करते रहना। और मैं ये पिछले हफ्ते में भी बात कर रहा था स्टूडेंट्स के साथ कि ये दुनिया को तख्लीक हुए ना मिलियंस से भी ज़्यादा, शायद बिलियंस में साल हो गए ना, करोड़ों साल हो गए वजूद हुए, साइंस के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक करीबन 6000 साल और 7000 शुरू, लेकिन अगर साइंस को देखा जाए तो बिलियंस ईयर्स, और इन सारे बिलियन ईयर्स में जो है वो हमारी उम्र कितनी है, 70-80, बड़ी कुछ दौड़ दौड़े तो 90, वो जो भी पुरानी जिन्होंने खाने वाने खाए हैं, भाग दौड़ की है उनकी, लेकिन अभी शायद 70 होना भी, इवन 50 होना भी कईयों के लिए बड़ा मुश्किल है। इतने सारे स्पैन में से आप एक छोटा से डॉट की तरह है ना ज़िंदगी, इतनी पता नहीं कब तक ये दुनिया चलनी है, और उसमें कहाँ पर आप शुरू में कहाँ थे कोई पता नहीं है, वो बाद में कहाँ होंगे, अकॉर्डिंग टू कलाम के मुताबिक तो ज़रूर है कि हम खुदा की हुज़ूरी में हैं होंगे, और लेकिन इस सारे जो हमें दिया गया अरसा, इसमें हमने क्या
कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या वजूद हमारे जो है वो कुछ कर रहा है। सो इस पर सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल सैमुअल जो है वो सोया हुआ है और सोए हुए को आवाज़ आती है, एली एली, उस समझता है एली आवाज़ दे रहा है, सैमुअल सैमुअल, और सैमुअल उठकर एली के पास जाता है दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा, और फिर वो कहता है कि खुदा की आवाज़। बाइबल मुकद्दस में बार बार खुदा आवाज़ देता है, खुदा पुकारता है, कभी फरिश्ते आके मिलते हैं। आप सबकी ज़िंदगी में तो कोई फरिश्ता आया नहीं आया? वैसे फरिश्ते ने आके कहा कि चलो जी वो डोमिनिकन बन जाओ यार, ना कोई ओएमआई बन जाए, कोई फ्रांसिस्कन बन जाए, किसी ने आके कहा हो को खुदा की तरफ? आपने देखा ऊपर से कोई रोशनी तेज़ आई आपके पास और आपने फैसला किया मैं जी ये बनूँगा? नहीं। सो एक लम्हे में या एक दौर में ये आवाज़ जो है बाइबल के मुताबिक जो है खुदा की आवाज़ है, खुदा नबियों को भेजता रहा है और ऐसे अमल होता रहा है या फरिश्तों को भेजता रहा। मेरे लिहाज से मैं जो सोचता हूँ महसूस करता हूँ आज के दौर में ये हमारे कॉन्शियंस ना ज़मीर की आवाज़ है, और ज़मीर की आवाज़ जो है वो हमें जगाती है, बताती है आपने ये करना है। और जब वो ज़मीर की आवाज़ को हम सुनते हैं, शायद हम उस तब नहीं, ये पहली दूसरी क्लास से, कहीं उन्होंने तीसरी क्लास से, कहीं उन्होंने चौथी क्लास से, कहीं उन्होंने स्कूल में सुना, किसी को देखा और बाद में उसके ज़मीर ने अब की आवाज़ को सुना और उसने फैसला किया मैं ये करूँगा जाऊँगा। लेकिन क्या होता है कि बचपन में ये ज़मीर की आवाज़ आती है और जवानी तक इसको सुनते हैं, कहीं पर एक अरसा आता है जहाँ पर ये ज़मीर की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं, और जब ज़मीर की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं वहीं पर आज की दूसरी तलावत जो है वो रहनुमाई कर रही है कि हमारे जिस्म जो हैं वो गुनाह के लिए, गलत कामों के लिए नहीं है। कंथियों के नाम खत, ऐ भाइयों बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए, और खुदा ने खुदावंद को भी जिंदा किया, और तुम्हारे जो बदन है वो रूल कुदस की हैकल है। और जब ये हमें कहीं ना कहीं ये खुदा आवाज़ देता है हमारे ज़मीर के जरिए से, लेकिन हम सो जाते हैं। पहले ज़मीर की आवाज़ सुन रहे थे, सुनते जा रहे थे, और फिर एक लम्हे में, चाहे वो सोलम प्रोफेशन के बाद हो, कई सोलम प्रोफेशन से पहले, कई काहिन बनने से पहले, कई वादे करने से पहले, ये सुनते रहते हैं आवाज़। जैसे एक दफ़ा वादे हो गए बस ख़त्म, कॉन्शियंस ज़मीर की आवाज़ सुनना बंद, अभी मैं कोई और ही आवाज़ सुनूंगा। और जहाँ पर हम ये करते हैं वहाँ पर हम अपनी ज़ात की, अपनी ज़िंदगी की तबाही करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मुसलसल आवाज़ सुनना, कॉन्शियंस की या ज़मीर की आवाज़ सुनना ये बहुत ज़रूरी है। और ये कभी कभी जो है हमारी जो इर्द गिर्द का माहौल है वो मदद रहनुमाई करता है, हमारी जो इन्वायरमेंट है वो मदद कर रही है हम इस आवाज़ को सुने। और आम ख़ानदानों में भी वालदैन को उनके ज़मीर की आवाज़ सुबह सुबह जगाती है, बीमार हों फिर भी उन्हें जगाती है कि भाई उठ जा, बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करना है, ये करना है, फ्लाँ करना है। सही, वालदैन बीमार भी हों फिर भी उठेंगे और काम पर जाएंगे। ये कैसे? क्योंकि उनको ज़मीर उनका बेदार रखे कि ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, मुझे ये करनी है। लेकिन अक्सर औकात हमारा ज़मीर जब सो जाता है तो फिर हम और डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तभी हम, जब आवाज़ को पहचान जाते हैं तभी हम आवाज़ जो है उस्तादों की आवाज़, वालदैन की आवाज़ को पहचानते हुए, ये उस्तादों या वालदैन की आवाज़ जो है बुनियादी तौर पर यूहन्ना इस्तबागी की आवाज़ है जो उस्ताद होते हुए शागिर्दों को कह रहा देखो खुदा का बर्रा। यूहन्ना इस्तबागी की आवाज़ आज के दौर में पहचानी है तो अपने वालदैन असातज़ा में पहचानी है, जब वो क्लास में पढ़ा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फॉर्मेटर्स बातचीत कर रहे हैं, अगर हमने अनसुनी कर दी तो यूहन्ना इस्तबागी की आवाज़ कहीं गुम हो गई।
अगर उसकी आवाज़ सुन ली तो शायद हम जो है मसीह को पहचानने में जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, उसके साथ रहना शुरू कर देंगे। और जब उसके साथ रहेंगे और वो कहेगा फिर आओ और देख लो। सो ये मैं समझता हूँ जिंदगी का ये पूरे आज की तलावतें जो है मेरे लिहाज से एक बचपन का एरिया हिस्सा है, एक थोड़ा सा जवानी का है जहाँ पर डगमगाने की है, और उसके बाद फैसला करके मसीह के साथ आगे बढ़ना और उस बर्रे का तजर्बा इस पाकल तार पे करना है कि खुदा हम सबको ये तौफीक दे ताकि हम उसका ये तजर्बा, उसके पाक बदन और खून का तजर्बा, उसके साथ रहने का तजर्बा ये ज़िंदगी में करते रहें, मसीह के साथ रहें, पवित्र रहें मसीह खुदा के वसीला से। आए सो हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं मान रखता हूँ खुदा का पुत्र बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसके पोता रहता है और हमारा खुदावंद है, वह रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा कमाने के लिए खुदा का मूर्ति बाप का दिल है, वहाँ से वो जिंदो मुर्दों के दाल करने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ और रूल के दुष पर पाक तकलीसिया मुकसम शराकत गुनाहों की माफ़ी जिसम के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। आए जो खुदाम के हुज़ूर अपनी मिन्नतें इल्तिजाएं पेश करें। आज खुदाम से दुआ करते हैं पाक माँ कलीसिया के लिए, कलीसिया रहनुमाओं के लिए, पापा आज़म के लिए, खुदाम खुदाम अच्छी सेहत अदा करें ताकि कलीसिया इस जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से अदा करते रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। मौका है कि आप भी खुदाम के हुज़ूर अपनी मिन्नतें इल्तिजाएं पेश करें। खुदाम से आज दुआ करते हैं हारून के लिए, उसके कारोबार के लिए, खुदाम खुदा उसकी हिफाजत होने की बानी करे। इसके साथ ही दुआ करते हैं बाजी सितारा के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, खुदाम खुदा उनके ख़ानदान को बरकत करे, उनकी हिफाजत करे और हमेशा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आज सलामत मसीह के लिए जो बीमार हैं, कि खुदा खुदा अपने पाक लहू से उन्हें सेहत और बरकत दे। और इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करना चाहता हूँ आज और तमाम मरहूमीन के लिए, ख़ास तौर पर आज फादर विक्टर कैरिस्टन के लिए जो मिशनरी रहे यहाँ पर और सारी ज़िंदगी गुजारी उनकी रूह के लिए, जो आज उनका जन्मदिन भी है और यकीनन वो खुदा की हजूरी में आसमानों पर मना रहे हैं। इसके साथ ही फादर जो विलन के लिए जिन्होंने सारी ज़िंदगी मिशन में यहाँ पर पाकिस्तान में गुजारी और पार्की कम्युनिटी में अपनी सारी खदमत अदा करते रहे, अब वो जबकि खुदा की हजूरी में गुज़िश्ता दिनों खुदा में सो गए, खुदा खुदा की रूह को हमेशा का आराम अता करे। और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आज तज़ीम सुनहरा मेहर मसीह रहमत मसीह हुसैन बीबी की रूहों के लिए, खुदा खुदा इन तमाम रूहों को अपने तमाम उनकी इंसानी गलतियों ख़ताओं को खुदा माफ़ करे और उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता करे। और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ की जाए कि खुदा का रहम खुदा की सलामती उनके साथ ठहरे। और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। अरे खुदा हमारी पना ताकत और तमाम शफकत के सचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया की दत्त इस्तलाल के साथ मांगती है तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि उसका असरम तक पहुंचे मसीह खुदावन के वसीला से। अपने
जो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मुख्तलिफ बाप की हजूरी में मकबूल फरमाए। हम दुआ मांगे। हाय खुदामदा हमारे खुदा, हम जानते हैं कि जितनी दफा हम तेरे बेटे की सलीबी कुर्बानी की याद ताजा करते हैं उतनी दफा हमारी निजात का काम पूरा होता है। पसनायत करके हम लायक तौर पर यह पाक इबादत अदा करें मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से। खुदा उमदा आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा उनकी तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदा उमदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकिफ वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। हम बाहमी मोहब्बत के इजहार से उसकी मौत को याद करते हैं। हम जिंदा ईमान से उसके जी उठने का ऐलान करते हैं। हम मुस्तकिल उम्मीद से उसके दोबारा आने का इंतज़ार करते हैं। इसलिए हम तमाम फिश्तों और मुकस्सों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम्द और सना करते हैं। कदूस 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 खुदा फरिश्तों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से महमूद है। आज में बड़ा परोश है, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। आए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है, हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि इंसानी ये रोटी और मैं पाक और मतबरिक हूं और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा, मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी कयामत का इकरार करते हैं। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने मैं इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजी के साथ इल्तजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर और रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आजम फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामल मोहब्बत ता फरमा। अपने बंदा फादर विक्टर कैरिस्टन, फादर जो विलन, ताजीम सुनारा, मेहर मसीह, रहमत मसीह, हुसैन बीबी पर नजर कर जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे उसी तरह जी उठने में उसके साथ रहे। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा उनकी मुबारक मांग कमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, तमाम मुबारक रसूलों और मुकदसों, मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, मुकद्दसा क्लारा, मुकद्दस डोमिनिक, मुकद्दसा कैथरीन ऑफ सियाना और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द और सना कर सकें।
उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में तुझ का आदर मतलब खुदा बाप को और उल कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आए हम जो हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे और ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरीके से खुदा ने हमें खुद सिखाया है। आए हमारे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाह आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और इस तमाम के कर्ज को बख्श दे तू हमारे कर्ज से बख्श हमें आजमाइश न पड़ने दे और गुमराह से बचा। आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। आए खुदा यसु मसीह तूने प्रसलुस कहा मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े आता हूँ मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर उससे वो सलामती तहत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें हाय खुदा के बर्रे उठा जाता है हम पर रहम कर हाय खुदा के बर्रे उठा जाता है हम पर रहम कर हाय खुदा के बर्रे उठा जाता है हमें शांति देना है। इसलिए यह है खुदा का बर्रा हमारा खुदा यीशु मसीह जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है और मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। सलाम है मरियम सलाम है मरियम सलाम है मरियम।
जो मोहब्बत खुदा हमसे रखता है हमने उसे महसूस किया और सच जान लिया। हम दुआ मांगे। हे खुदावंद हमारे खुदा, अपनी मोहब्बत की रूह को हम में उंडेल दे, और जिन्हें तूने एक ही आसमानी रोटी से शेर किया है उन्हें अपनी मोहब्बत में यक दिल बना दे, मसीह खुदावन के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। और कादर मुतलिक खुदा, बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल होती रहे। ये बात हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो।